हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन और 1 to 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। इस वीडियो में हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जो 16th क्वेश्चन है उसमें है इन 4 years 6000 अमाउंट्स टू 8000, यानी कि 4 साल में 6000 अमाउंट 8000 बन जाता है। इन व्हाट टाइम एट सेम रेट विल 525 अमाउंट टू 700, यानी कि एक सर्टेन रेट से 6000 अमाउंट 4 साल में 8000 बन जाता है। तो उसी रेट से 525 अमाउंट 700 कितने साल में बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल 6000 अमाउंट 8000 बन जाता है 4 साल में। तो हमें क्या निकालना है कि रेट नहीं गिवन कि किस रेट से बनता है, राइट। तो हमें वो रेट फाइंड आउट करना और उसके बाद वही रेट यहाँ पर यूज़ करके हमें टाइम निकालना है कि जो 525 अमाउंट है वो 700 कितने टाइम में बनेगा, राइट। तो करते हैं क्वेश्चन आंसर 16। हमसे बोला है कि 6000 अमाउंट 6000 अमाउंट हमारा 8000 बन जाता है इन 4 years एट सर्टेन रेट। अब ये रेट कैसे निकालें? तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल है 6000, रेट वी डोंट नो एंड टाइम इज 4 years, ठीक है। एसआई कैसे पता चलेगा, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, उसके बाद अमाउंट आ गया हमारे पास 8000 4 साल में। तो अगर हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा विच विल बी 2000, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें रेट पता चल जाएगा, रेट होगा हमारा 2000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 45। तो जो हमारा रेट बनेगा दैट रेट विल बी समवेयर अराउंड 25/3, ये हमारा है रेट, राइट। अब हमारा रेट निकल गया। उसके बाद हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि 525 अमाउंट हमारा होगा 7000। अब हमें पूछा टाइम, हमें रेट पता है कि रेट है 25/3, राइट, रेट है हमारा 25/3। अब हमसे टाइम पूछा है तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंस अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट विच विल बी 175। प्रिंसिपल है हमारा 525, रेट है हमारा 25/3 एंड टाइम वी डोंट नो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम आएगा 4 years, आप खुद करके देख लेना, टाइम आएगा हमारा 4 years, ठीक है। तो ऐसे निकालना था, पहले हमें जो एग्जांपल गिवन था वहाँ से हमें रेट निकालना था, उसके बाद हमें जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर वो रेट पुट करके टाइम निकालना था, ठीक है। तो ये था हमारा 16 विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 years, ठीक है। 17 क्वेश्चन है हमारा, हर्षा मेक्स अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 इन बैंक ऑफ इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि जो हर्षा है वो 20,000 एक बैंक में डिपॉजिट करती है 3 साल के लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 13%, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम चार्ज्ड हाफ ईयरली व्हाट अमाउंट विल गेट आफ्टर 42 months, यानी कि जो हर्षा ने 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे हैं बैंक में 3 साल के लिए, अगर उस पर 13% का इंटरेस्ट चार्ज होगा हाफ ईयरली तो 42 months के बाद उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के मत आंसर चेक करने लग जाना, अमाउंट पूछा तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। आंसर है 17। हमसे बोला है कि जो हर्षा है
उसका प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, टाइम है 42 मंथ्स के बाद वो देख रही है, और रेट है 13%। बट एक और चीज़ बोली है, उसने बोला है कि हाफ़ ईयरली उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया है कि क्या क्या हाफ़ ईयरली, क्वार्टरली, और अगर एनुअली पूछेंगे तो क्या कैसे उसमें फॉर्मूला में चेंज करना है। क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो टी है, जो टाइम डिनोट करता है, तो ये टाइम हम ईयरली लेते हैं, बट यहाँ पर हाफ़ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज जो है। तो जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, मैं आई बटन दबा के देख लेना, या नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्रीवियस वीडियोज़ भी चेक कर लेना, ताकि जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें हेल्प मिले, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ ईयरली बोले तो हम कैसे करेंगे? हाफ ईयरली में पहले तो ये जो टाइम होता है उसको हम, ये मंथ्स में दिया है तो हम इसको ईयर में चेंज करते हैं। ईयर में कैसे चेंज करेंगे? 42 को एक मंथ, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 7/2, ठीक है। अब हाफ ईयरली में इन दोनों को कैसे चेंज करेंगे? हाफ ईयरली में जब भी हम चेंज करेंगे तो टाइम को हम इनटू कर देंगे 2 से, रेट को डिवाइड कर देंगे 2 से, राइट। टाइम को हम 2 से इनटू करेंगे और रेट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा टाइम आ जाएगा 7 ईयर्स और रेट आएगा हमारा 13/2, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में डालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 20,000, रेट है हमारा 13/2, और टाइम है हमारा 7, राइट, 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, दैट विल बी 9,100। अब हमसे अमाउंट पूछा था, राइट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 20,000, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 9,100, तो हमारा अमाउंट क्या बनेगा? 29,100, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन का आंसर है सी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये सारा कराने के बाद मैं आपको, जो बेस लेवल है वो ख़त्म कराने के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद है, विक्रम बोरोड 6,450 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि इस बार विक्रम ने डिपॉजिट नहीं करवाया, बोरो करा है 5% सिंपल इंटरेस्ट से, जो उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में मैंने इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला एक्सप्लेन करा है कि इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बना कैसे है, तो प्लीज़ वो चेक कर लेना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में, मतलब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है। मैं बताती हूँ वो कैसे करते हैं। व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है जो वो पे करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं पहले इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ कि इंफॉर्मेशन क्या दिया है। आंसर 19 है, इसमें बोला है कि विक्रम ने 6,450 रुपीज़ लिया है एट द रेट ऑफ 5% 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। 4 इक्वल, अब 4 देख के ये मत सोचना कि इसमें क्वार्टरली लग गया, नहीं। जब हम इंस्टॉलमेंट जब उसने बोरो करा है तो हम इसको ना ईयर की तरह ट्रीट करेंगे। पहले हम निकालेंगे कि उसको सिंपल इंटरेस्ट पे कितना करना पड़ेगा, राइट। उसको सिंपल इंटरेस्ट पे कितना करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, हमें निकालना अमाउंट के साथ होता है। तो हम क्या करते हैं, जो उसका प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। अब हमें पता है प्रिंसिपल है 6,450 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट को हम ईयर की तरह ट्रीट करेंगे, डिवाइडेड बाय, इसको नहीं, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, इस सबको ऐड करके हमारा एट द एंड अमाउंट जो आएगा वो आएगा 7,740 रुपीज़। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टोटल अमाउंट होगा
वो होगा 7,740 रुपीज़, यानी कि इतना अमाउंट उसको पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है। उसको कितना पे करना है, 7,740 रुपीज़ 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, या 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो हमें निकालना है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वो कितना होगा, राइट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। अब इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, अब जो अमाउंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 4 इंस्टॉलमेंट के। तो मैंने बताया था जो इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस एक्स इंटू, एक मिनट, ए इक्वल्स टू एक्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैंने एक्सप्लेन करा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले फॉर्मूला एक बार लिख लूँ। इंटू आर 100 प्लस एक्स इंटू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू आर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने बताया था कि ये जो हमारा इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है, पहले तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है, राइट। तो हम 3 तक बनाएंगे और एक हम अकेला लिखेंगे। अब कैसे ये एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, उल्टा देखना है इस फॉर्मूले को, उल्टे उल्टा एनालाइज करना है कि मैंने पहली इंस्टॉलमेंट जब मैं पे करती हूँ तो उसके साथ में इंटरेस्ट भी पे करती हूँ पहली, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेके समझाऊँ तो जैसे 1,000 रुपीज़ मैं पे करूँगी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं 500 या 250 की इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ तो मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ प्लस जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज़ 750 रुपीज़, उस पर मैं इंटरेस्ट पे करूँगी उसको, क्योंकि वो अमाउंट मैंने दिया नहीं है तो उसका इंटरेस्ट तो मुझे पे करना पड़ेगा ना। तो वो ही चीज़ मैं यहाँ करती हूँ कि पहला इंस्टॉलमेंट पे करा, एक्स क्या डिनोट कर रहा है इंस्टॉलमेंट को, पहला इंस्टॉलमेंट पे करा, फिर बाकी के बचे हुए मैं 3, क्योंकि उसको 4 ईयर्स में, अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स को ईयर्स लेके करूँ तो 4 ईयर में पे कर रही हूँ, तो बाकी के बचे हुए 3 साल के लिए मैं उसको इंटरेस्ट दे दे रही हूँ, ठीक है। वही कराए, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट दिए, बाकी बचे हुए 2 के लिए मैंने इंटरेस्ट पे कराया, फिर तीसरी दिए, बाकी बचा हुआ 1 के लिए मैंने इंटरेस्ट पे कराया, और फिर लास्ट दिए तो मुझे इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे निकाल दे, तो ऐसे मत करना कि स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला उसमें अमाउंट पुट कर दो, नहीं, स्टार्टिंग में अगर कर दोगे तो स्टार्टिंग में करोगे तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में नहीं करना है, सीधा सॉल्व करो 1, 2, अगर ब्रैकेट ऑन करेंगे तो भी प्लस रहेगा, तो 1, 2, 3, 4, 4x है, ठीक है, 4x है। उसके बाद ये जब ब्रैकेट सॉल्व करोगे यहाँ क्या निकलेगा, 1xr 2xr 3xr, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये पूरा अगर सॉल्व करोगे तो इसका अमाउंट जो निकलेगा दैट इज़ 30 बाय 100, और कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या निकला, प्लस 3x बाय 10, तो ये निकला 43x बाय 10, राइट, ये निकला ना 43x, नहीं एक मिनट, ये x नहीं, यहाँ पर x के साथ r भी है, ओके, x के साथ r भी है, तो मेरा अमाउंट जो लास्ट में निकला x के साथ r है, तो मैंने r रेट भी लगाऊंगी, रेट मैंने लगा दिया है, रेट है मेरा 5, राइट, तो 5 लगा के मैंने बोला है कि 30, एक मिनट, थोड़ा हौच पौच हो गया, ये जो मेरा टोटल निकला, हम यहाँ पर मैं जब सॉल्व कर दूंगी उसके बाद मैं रेट डाल दूंगी, और रेट है हमारा 5%, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा अमाउंट आता है वो है, यहाँ पर अमाउंट डालूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करा था, इक्वल्स टू 4x प्लस 30x बाय 100, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, और नॉर्मल ही है इसका सॉल्यूशन, कोई इतना ज़्यादा सॉल्व करके आंसर आ रहा है, आंसर इज एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा, इंस्टॉलमेंट हमने स्टार्टिंग में लिया था, लेट दी इंस्टॉलमेंट बी एक्स, और एक्स की वैल्यू आई 1800, तो हमारा जो आंसर है दैट इज 1800, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद 20 है, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स फोर्थ फोल्ड एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, यानी कि कितने टाइम में अगर हमारा अमाउंट जो है वो 4 गुना बन जाएगा अगर हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे
10% के हिसाब से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 20। एंड हमसे बोला है, कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आते कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि ज़्यादा कोई अमाउंट दी नहीं होती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा हमारा जो अमाउंट है वो 4 गुना होगा, ठीक है। कितने टाइम में हमारा अमाउंट 4 टाइम्स हो जाएगा अगर हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखें। तो हमसे टाइम पूछा है, अब ना हमें प्रिंसिपल दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो एक्स है, ठीक है। तो हमें क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो अमाउंट है वो 4x हो जाए, यही बोला है ना हमसे। हमसे बोला अगर लेट हमारा प्रिंसिपल एक्स है तो हम 10% के हिसाब से कितना टाइम लेंगे जो हमारा अमाउंट है वो हमारा प्रिंसिपल का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का एनालाइज करूँ तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है, 4x माइनस एक्स करूँगी तो सिंपल इंटरेस्ट तो मेरा 3x है, राइट। अब सेम फॉर्मूला बना लेती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा 3x है, प्रिंसिपल है मेरा x, रेट 10%, टाइम हमें निकालना है कि कितने टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स से एक्स कट गया, 10 से 10, तो 10 ईयर्स में हमारा जो अमाउंट है प्रिंसिपल है वो 4 गुना हो जाएगा अगर हमें रेट 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसका आंसर जो है दैट इज, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, ओ सॉरी सॉरी 10 नहीं 30, क्योंकि 3 बचा रहा, सॉरी 30। तो 30 ईयर्स में हमारा जो अमाउंट है वो जो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर है 30 ईयर्स। तो बहुत इजी था, हमें अज्यूम करना है। ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन ये होंगे कि 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो उसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट अज्यूम करके करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम बिकम्स 4-fold, सेम जो एक अमाउंट है वो 8 गुना बन जा रहा है 15 ईयर में एट सिंपल इंटरेस्ट, वट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, हमसे क्या बोला है कि एक अमाउंट है प्रिंसिपल को एक्स ले लो, वो क्या बन जा रहा है, कितना अमाउंट कर रहा है वो, तो अमाउंट कर रहा है 8 गुना, ठीक है। और टाइम 15 साल में, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है कि कितने रेट के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारा वो 15 साल में 8 गुना बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 7x आएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 7x, प्रिंसिपल है हमारा x, और रेट है हमारा, हमें नहीं पता, रेट ही हमें निकालना है, और टाइम है 15 ईयर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा 700/15 इक्वल्स टू रेट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर 1 4 0। अब अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है हमारा क्वेश्चन को देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं उनको एनालाइज करके हम करेंगे, हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में 140 चाहिए, तो हमें कौन सा ऑप्शन है जिससे हमें 140 मिल रहा है। बट डिनोमिनेटर भी देखो, डिनोमिनेटर में हमारा 3 है, तो यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स हैं जिसका डिनोमिनेटर में 3 है, बट हमें अब डिनोमिनेटर, चलो हमें मिल गया कि दो में से एक आंसर है, बट कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर में हमारा 140 है, तो किसको सॉल्व करके 140 आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो 3a 18, ओके, तो दिस आंसर इज़ करेक्ट, क्योंकि इसको सॉल्व करके यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है वहाँ पर 18 आ रहा है, राइट। तो इस टाइप से करना पड़ता है। अब सिंपल, अब तुम अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम सेव करने के लिए ऐसे करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ सर्टेन सम बिकम 3-fold, यानी कि एक सम है जो 3 गुना बन जाता है 4% एनुअल इंटरेस्ट के साथ, एट वट रेट विल बिकम 6-fold, यानी कि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये है आंसर, आंसर नंबर 22। तो हमसे बोला है कि एक सम है वो 3 गुना बन जाता है, 3-fold बन जाता है
4% इंटरेस्ट के साथ, राइट, 4% इंटरेस्ट के साथ वो 3 गुना बन जाता है, बट हमें यहाँ पर टाइम नहीं बताया। तो हमसे बोला है कि अगर हम वही सम लें, वही सम 6-fold यानी कि 6 गुना कैसे बनेगा, मतलब कितने रेट, मतलब कि उसको कितना टाइम लगेगा, एट व्हाट रेट। यहाँ पर हमें रेट निकालना है कि कितने रेट के साथ उतने ही टाइम में, उतने ही जितने टाइम में ये बना, उतने ही टाइम में 6 गुना बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें बोला है कि इसी टाइम को अगर हम सेम टाइम रखें तो हमारा रेट क्या होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट प्रिंसिपल माइनस अमाउंट हमारा हो जाएगा 2x, विच विल बी सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट 2x, प्रिंसिपल हमारा x, रेट है हमारा 4, टाइम हमें निकालना है, तो x से x कैंसिल आउट हुआ, उसके बाद 2 एंड 50, तो ये 50 ईयर्स में हमारा जो है ये अमाउंट 3 गुना बन रहा है 4% रेट के साथ, ठीक है। कितना टाइम आया, 50 ईयर्स आए, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना, किस रेट से वो 50 साल में ही ये अमाउंट 6 गुना बनेगा। तो हमें यहाँ पर रेट फाइंड आउट रखना है और टाइम हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 6x माइनस x करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5x आएगा, प्रिंसिपल हमारा x है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमें गिवन है कि 50 ईयर्स, ठीक है। x x कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा रेट आया 10%, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी 10%, एट द रेट ऑफ 10% हमारा जो अमाउंट है वो कितना होगा, 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 times हो जाएगा हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से। तो इसका आंसर विल बी 6%, आंसर विल बी 6%, ओके, नो 10%, सॉरी 6% कह रही हूँ, 10% विल बी द आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है, इन अ सर्टेन टाइम अ सम बिकम्स 4 times एट अ रेट ऑफ 5%, यानी कि एक सर्टेन टाइम में, अब टाइम नहीं गिवन है हमें, एक सर्टेन टाइम में जो हमारा सम है वो 4 times बन जा रहा है एट द रेट ऑफ 5%, तो एट वॉट रेट अ सिंपल इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स 8%, यानी कि कितना सिंपल इंटरेस्ट के रेट में, पहले हमें टाइम नहीं गिवन, उसके बाद हमें रेट नहीं गिवन, ठीक है, कि कितने रेट में हमारा जो अमाउंट है वो 8 times हो जाएगा, तो सेम है हमारा। तो ये मैं ना करा के आपको होमवर्क देती हूँ, क्योंकि सेम है जैसे हमने ऊपर का करा था वैसे ये वाला करना है, तो इसीलिए ये होमवर्क है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर समझ नहीं आए तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज बहुत सिंपल है, जिसको ऊपर वाला आ गया तो ये वाला इजीली कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अ सम बिकम्स 6-fold एट 5%, यानी कि एक सम है वो 6-fold यानी कि 6 गुना बन जा रहा है, 6 times बन जा रहा है 5% इंटरेस्ट के साथ, एट व्हाट रेट द सम बिकम 12-fold, यानी कि किस रेट में वो अमाउंट जो है वो 12-fold बन जाएगा। ये भी बहुत ईजी, ये है 24th। हमसे बोला गया है कि एक सम है वो 6-fold बन रहा है, ठीक है, रेट है उसका 5%, टाइम हमें नहीं गिवन, ठीक है। उसके बाद बोला है वही अमाउंट अगर हम बनाना चाहें 12-fold, देखिए 12 times बनाना चाहें तो हमें क्या रेट लगेगा, मतलब किस रेट से हम वो बनाएंगे, और टाइम सेम वही टाइम रहेगा, ठीक है। टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम टाइम सेम ही रखेंगे, तो हमें पहले फर्स्ट वाले से टाइम निकालना पड़ेगा, उसको यहाँ पुट करके फिर रेट निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर से हमें सिंपल इंटरेस्ट, ये है हमारा अमाउंट, ये है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आएगा हमारा 5x, विच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, राइट। इस अमाउंट, इस प्रिंसिपल में हमने जब सिंपल इंटरेस्ट ऐड करा तभी तो इतना बना, राइट। तो इसीलिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5x। तो फॉर्मूला लगाएंगे वही, रेट इनटू टाइम बाय 100, तो
सिंपल इंटरेस्ट है 5x, प्रिंसिपल है x, रेट है हमारा 5%, टाइम वी डोंट नो, तो कैंसिल आउट होके टाइम आया हमारा 100 ईयर्स। 100 ईयर्स लगेंगे उसको इस अमाउंट को 6 टाइम्स बनने में एट द रेट ऑफ 5%। तो अब यहाँ पर हम टाइम सेम रखेंगे और रेट फाइंड आउट करेंगे। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल बी सिंपल इंटरेस्ट विच विल बी एक्स 11x, प्रिंसिपल है एक्स, रेट वी हैव टू फाइंड, टाइम इज 100 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, तो द रेट विल बी 11%। एट द रेट ऑफ 11% ये 100 ईयर्स में अमाउंट 12 टाइम्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो विल बी अ सम बिकम्स टू फोल्ड इन 6 ईयर, यानी कि एक सम है वो टू फोल्ड मतलब 2 टाइम्स हो रहा है 6 साल में एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द टाइम इन विच द सम अमाउंट विल बी 10-fold एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सेम बहुत इजी आंसर है 25th। हमसे बोला गया है कि एक सम है, ठीक है, एक सम है वो 2 टाइम्स हो रहा है 6 ईयर्स में, टाइम है 6 ईयर्स, बट वी डोंट नो द रेट, राइट। तो फाइंड द टाइम, अब नेक्स्ट वाले में हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि विच द सेम अमाउंट, यानी कि यही सेम अमाउंट 10 टाइम्स हो जाएगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो उसका है वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ यूज़ करें तो कितना टाइम लगेगा इस अमाउंट को 10 टाइम्स बनने में, राइट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये है अमाउंट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल बी एस आई, दैट विल बी एक्स, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक्स है, प्रिंसिपल है हमारा एक्स, इंटू रेट वी डोंट नो, टाइम वी नो दैट इज 6, तो ये जो हमारा रेट आएगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 100/6 इक्वल्स टू रेट, राइट। तो रेट आएगा हमारा 50/3%। अब ये रेट को हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो पहले तो ऐसा ही, ये है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल बी SI, तो SI हमारा आएगा 9x, तो 9x वही यही फॉर्मूला यूज़ करी हूँ मैं, बार बार नहीं लिख रही, 9x प्रिंसिपल इंटू रेट विच इज़ 50/3 इंटू टाइम वी हैव टू फाइंड डिवाइडेड बाय 100, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट द टाइम इक्वल्स टू 54 ईयर्स, ठीक है। तो टाइम आएगा हमारा 54 ईयर्स, 54 ईयर्स में ये अमाउंट 10 टाइम्स बन जाएगा। तो इसका आंसर सही है, आंसर डी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।